बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ची नो के रोज को नो के टॉपिक है और टॉपिक नाम है फ्यूचर कंडीशनल। सही है, द फ्यूचर कंडीशनल डिस्क्राइब समथिंग डेट हैपन सॉरी डेट माइट हैपन इन द फ्यूचर विद द कंडीशन इट ओपन यूजेस। इफ एग्जांपल, इफ आई गो टू द पार्क टुमारो आई विल ब्रिंग माय डॉग। इफ आई गो टू द पार्क टुमारो इज इन द प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर कंडीशन हमारा वक्त डिपेंड करें कि फ्यूचर है या कार्य भी आवद है कंडीशन ही तरह गिवन भी। कंडीशन मतलब किस शर्त, कोई भी शर्त है समझात। फ्यूचर कंडीशन हमारा फ्यूचर वास्ते इस्तेमाल करें समझात कि तो एक कार्य खनक लोटे बांधा। सही है कि फ्यूचर है तो एक शर्त ही बिकने समझात। फ्यूचर हमारा टेंशन में फ्यूचर इस्तेमाल करें जैसे कि आओ के रुच बांध पूछी परम पूछ समझात एक तरह शर्ती पद गिवन भी समझात। कंडीशन मतलब शर्त हो ब्याशी दीवा सेंटेंस स्ट्रक्चर आचार है ऊपर सेंटेंस बनाए ने वो शारे वडिश में समझा के। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस में समझें कि कुछ वक्त इस्तेमाल भी मतलब फ्यूचर या कार्य तो बेकन है मतलब या कार्य तो बांध आओ के रुचे एक कार्य बेकन है अवधा एक शर्ती तरह देख भी जैसा कि मतलब एक शर्ती तरह दाता कि एक तरह लाजम बांधा करने गई है समझात वो। अच्छा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन क्वेश्चन थे इवन के तीसरा एप एप्पा चे बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस एक सेंटेंस से तो लग के प्रेजेंट सिंपल टेंस से तो कभी भी इसी अच्छे पद प्लस प्लस अच्छे पद फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब के एप पाँच बात तो सेंटेंस लग के सेंटेंस थी प्रेजेंट सिंपल टेंस से तू कहेगी और इसी अच्छे पद पद अच्छी सेंटेंस बेगी फ्यूचर सिंपल टेंस से तू कह समझात मतलब के तरह दो टेंस टेंस से सेंटेंस बनाने गई और तीसरा तरह चीज़ें नहीं गई एप समझाती है फार्मूला है कि तो फ्यूचर सिंपल सॉरी फ्यूचर कंडीशन सेंटेंस तो ये तरीके से बनाए ने समझात। नुबे हम सेंटेंस बनाने में इस तरह समझा कहते हैं ये बोले कि एप आई गो टू माय फ्रेंड हाउस फॉर डिनर टू नाइट ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या नुबा दुमी सेंटेंस को जम बेगी है फ्यूचर समझात। फ्यूचर हमारा मालूम के फ्यूचर सिंपल हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल शेल आई विल टेक सम फ्लावर्स समझात ये कुजाम्बू फ्यूचर वो मतलब एप एप्पा चपद प्रेजेंट सिंपल अच्छे पद फ्यूचर सिंपल जैसा कि दुम्मी एग्जांपल आई एम स्टिल नॉट श्योर एप आई विल गो टू इज हाउस आर नॉट उसी के माँ ये यकीन हो क्या ये लोग अमर रवी या ना रुई मतलब फ्यूचर एक अपी जन गए कि तो मानो यकीन हो मैं ये कर कहनी या ना कहनी समझात। एप यू कॉल मी उसी के तो मना फ़ोन करने आई विल गेव यू दी एड्रेस उसी वक्त के तो मना फ़ोन करने गोड़ा मंत्र एड्रेस आ दें मतलब फ्यूचर है तो मना फ़ोन बेकन है मंत्र एड्रेस आ दें समझात। शचपद एप अहमद हेल्प मी विद माई होमवर्क यू विल कम सही है उसी के अहमद वक्त बे नू वस्ते मनी होमवर्क का नहीं हेल्प कहूँ जैसे कि क्लास टू को टीचर होमवर्क दाता चार चैप्टर सही मैंने कहनी गई नू मैं अहमद वदार हूँ तक के बेगू दो चैप्टर अहमद बेका मैंने मदद बेका सही है मैं वदार कनी अहमद बे मतलब फ्यूचर एक कंडीशन है सही है कंडीशन चाहिए अहमद आ रहा आएगी सही है जब तक अहमद नहीं आए थे मैंने कार ना बा समझात। हमार टेंस के फ्यूचर आ डिपेंड बेका मतलब आओ के रुचि एक तरह गप्पी पूछी या कार है सही एक सवाल है पता आ सवाल आ रहा है कंडीशन ही बिगेन भी सही जब तक अहमद के नू मैंने सपोर्ट कहाँ ये कंडीशन ही बुना अहमद अगर नए मैं सपोर्ट ना कहाँ समझात। इसे चप्पा देंगे एक आसानी चीज़ इजाफा करें इसे के वक्ति के तो एप वाला सेंटेंस है मतलब प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस है तो सारी है लिख के मतलब एप वाला सेंटेंस सारी है लिख के थोड़ा तरह काम आ जानेगी समझात। अगर तो एप वाला सेंटेंस है रंदा लिख के सही है वेल वाला सेंटेंस सारी लिख के और तरह काम आ जानेगी ना जैसा कि एप अशेवारा गोस टू दी पार्टी समझात एप वाला सेंटेंस सारी है वो शी विल वेयर दिस ब्यूटीफुल निकल समझात नेकलेस सॉरी कामा से लग गया था सही है समझात। अगर माँ ई वर्ड बिकनी शी विल वेयर दिस ब्यूटीफुल नेकलेस एप आशियावारा गोस टू दी फोर्टी समझात कुड़ा तो कोमा यूज नखन है समझात कोमा को जहाँ वक्त इस्तेमाल करें कि एप वाला सेंटेंस सारी है तो वेल वाला रंधा पे गुड़ तो काम इस्तेमाल करें समझात जैसा कि वेरी हैप्पी पेबलिक पेबलो विल बी वेरी हैप्पी एपी कैन मैरी द गर्ल ई लव्स समझात इदा से वेल वाला सेंटेंस सारी है लिखता एप वाला रंधा लिखता गुड़ा से कोमा न लगी एप आई बाय दिस हाउस आई एम गोइंग टू
पेंट इट अ डिफरेंट कलर, समझात इदा एप वाला सेंटेंस आ रही है और आई एम वाला रंदा है। और ठीक है एप वाला सेंटेंस आ रही है भी गुड़ तरह काम आ जानेगी, एप वाला सेंटेंस रंदा भी गुड़ तरह खोमा जानेगी ने, पर चाहे कलाउज डिपेंडेंट कलाउज और इंडिपेंडेंट कलाउज पर के वजह से।